ज्ञान होता मेरे ही मन में है और फिर दुख भी मेरे ही मन को होता है। ऐसे जानो जब आप कोई मशीन खरीदते हो, मिक्सर, ग्राइंडर, कुछ भी, तो आप सबसे पहले देखते हो इसकी वारंटी क्या है, कब तक चलेगा, फ्री सर्विस कब तक है, और फिर एक अनुमान होता है कि ये चीज़, ये मशीन इतना 5 साल 10 साल चलेगी, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। आप मकान बनाते हो तो किसी अच्छे आर्किटेक्ट से आप पूछेंगे तो वो बताते हैं कि जैसा मटेरियल आजकल यूज़ हो रहा है, मकान की मैक्स टू मैक्स वो कहते हैं 20 साल, 20 साल में रंगाई पुताई होती रहे, सर्विसेज सारी होती रहे। तो बोले 20 खींच लो तो 25, उसके बाद फिर दिक्कत पड़ी, बहुत कोई कंजूसी कर जाए तो कहेंगे 30 साल, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे जब ये आर्किटेक्ट की डिग्री नहीं होती थी तब की जो हवेलियां बनी हैं तो 200 साल पुरानी भी खड़ी हैं, ठीक ठाक है वो। आप एक कुर्सी लेते हो, एक मेज लेते हो, कब तक चलेगी? तो कहता है जी जब तक दीमक ना लगे चलेगी। कब तक? तो कहते जी यहाँ तो जान का भरोसा नहीं है, आप कुर्सी का भरोसा मांग रहे हो। गुरु की जो वाणी है ना, संतों की वाणी जो है, वो यही बात को 1000 तरीकों से समझाती। अभी आप श्लोक महल्ला सुन रहे थे, 9वां, कितने एग्जाम्पल दिए हैं। बुलबुला जल में उठता है, जल में लीन हो जाता है। इसी तरह ये तुम्हारा शरीर बना है और यहीं लीन हो जाएगा। फिर कहा 5 तत्व से शरीर बना है, उन्हीं 5 तत्वों में वापस खत्म हो जाता है। फिर कहा बचपन, जवानी और बुढ़ापा, 3 अवस्थाएं होंगी और इन 3 के बाद निश्चित रूप से मृत्यु है। पर वो ये नहीं कह रहे कि बच्चा नहीं मर सकता, कि जवान नहीं मर सकता, कि सिर्फ बूढ़े ही मरेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। फिर वो कहते हैं कि जो आया है सो जाएगा, ये नियम है। फिर कहते हैं जो उपजा है उसका विनाश होगा। फिर कहा जिसको शरीर मिला है उसका शरीर जाएगा। फिर कहते हैं जैसे सपना रैन का, तैसो ये संसार। इसी भ्रम में मत रह जाना कि जो चल रहा है वो सच ही है। बोले यहाँ कुछ सच नहीं, सब सपना है। फिर कहा अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ के रखना, कहीं और मत जोड़ लेना। फिर कहा अगर कहीं और जोड़ोगे तो बहुत दुख पाओगे। फिर एग्जाम्पल दिया कैसे जोड़ो। कहते जैसे एक कुत्ता अपने मालिक को हमेशा याद रखता है और उसकी चाकरी करता है, ठीक वैसे। फिर कहा अगर तू ये नहीं करेगा, अगर ऐसा ईश्वर से अपना संबंध नहीं जोड़ेगा तो फिर तू कुत्ते से भी गया गुजरा है। और फिर दूसरी जगह एक और एग्जाम्पल दे करके कहा अगर तू ईश्वर के साथ अपने मन का संबंध नहीं बनाता है, भक्ति नहीं करता है, फिर तो तू सूअर जैसा है। फिर कहा जिसको सुख चाहिए वो ईश्वर की शरण में जाए, सुख निधान परमात्मा है तो सुख वहीं मिलेगा। और संसार सुख निधान नहीं है, संसार दुख निधान है, यहाँ जाओगे तो दुख पाओगे। फिर ज्ञानी की स्तुति गाते हैं कि ज्ञानी को न सुख लगता है न दुख लगता है, ज्ञानी को न मान लगता है न अपमान लगता है, ज्ञानी को न सोने का लोभ है न लोहे से परहेज है। फिर ज्ञानी कौन है? जिसको सम्मान मिल जाए या अपमान मिल जाए वो शांत रहता है। तो प्रलोभन दिया ज्ञानी बनो, नहीं तो दुखों के पहाड़ तो हमेशा ही फूटते रहेंगे। कभी बिजनेस नहीं रहेगा, कभी तुम ही नहीं रहोगे, कभी बच्चे नहीं रहेंगे, कभी तुम ही मर जाओगे। वो एक कवि ने लिखा ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। कईयों के हाथ में सिर्फ जमीन रहती, आसमां नहीं। कईयों के पास सिर्फ आसमां है, जमीन नहीं। दोनों अधूरे हैं। ये पेसिमिज्म सिखाने के लिए नहीं बातें कही जा रही हैं, ये रियलिस्टिक होने के लिए सिखाई जा रही। अर्थात कि जब तक चीज़ें अच्छी हैं, जब तक सुख है, जब तक शरीर का स्वास्थ्य है, जब तक परिवार में सब जिंदा है, मन इनमें मत जोड़ लेना, क्योंकि वो समय दूर नहीं है जब जो कुछ अच्छा है वो सब बिगड़ जाएगा। डरा नहीं रहे हैं गुरुदेव, सिखा रहे, बता रहे, वॉर्न कर रहे। जैसे आप कभी हिल स्टेशन में जाओ ना, आप मुंबई से लोनावाला जाओ तो जहाँ वो पहाड़ शुरू होते हैं, जगह जगह पे बोर्ड आ जाते हैं, सावधानी से गाड़ी चलाइए, आगे तीव्र मोड़ है, स्पीड कम कर लीजिए, यहाँ 30 से ऊपर ना चलाइए, यहाँ ओवरटेक मत करिए, हॉर्न बजाइए। आप हॉर्न नहीं बजाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। कहीं लिखा रहेगा आपकी जान बड़ी कीमती है, कभी लिखेंगे तुम्हारे बच्चे घर में तुम्हारी राह तक रहे हैं, कभी लिखेंगे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कितने कितने स्लोगन, जगह जगह बोर्ड चलते रहते, पर उसमें भी पुलिस चेक करती कि कोई शराब पी के तो नहीं चला रहा। फिर पुलिस चेक करती लाइसेंस तो है ना ड्राइवर के पास, कहीं ऐसे ही चला रहा हो। और एक दफे जब वो पहाड़ से नीचे ढलान में गाड़ी जाती, फिर से साइन बोर्ड शुरू हो जाते, आगे तीव्र ढलान है, ब्रेक संभाल कर रखें, ब्रेक चेक करा लीजिए, आगे सख्त ढलान है। ये इतनी सारी वार्निंग्स क्यों देनी पड़ती? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि लोग बेहोश हैं, लोग गाड़ियां तेज चलाएंगे, लोग ओवरटेक करेंगे, लोग गाड़ियों में स्टंटबाजी करेंगे, थ्रिल के लिए तेज गाड़ी चलाएंगे, लड़ते हुए गाड़ी चलाएंगे, किसी कंपटीशन में किसी के साथ गाड़ी तेज चलाएंगे, या ऐसे ही बातों में मशगूल हो जाएंगे और लड़ेंगे। देखा तुमने कई बार, मैंने देखा एक बार, हमारे आगे गाड़ी जा रही थी, एक आदमी गाड़ी चला रहा है, उसकी जो भी स्त्री थी साथ में थी, अभी पत्नी थी, प्रेमिका थी, बहन थी, कौन था मालूम नहीं, लेकिन वो झांपड़ मारा उस ड्राइवर के सिर में, और एक नहीं इकट्ठे 3-4। वो गाड़ी हमारे सामने यूं लेफ्ट राइट डोल गई पूरी। भाई क्या भाई लड़ना, घर में लड़ो, साइड में होके लड़ो, पीछे इतनी ट्रैफिक चल रही है, लेकिन इतना आदमी बेहोश है, अपनी तो जान हथेली पे लेके चल ही रहा है, वो दूसरों की जान को भी खतरा डाल देता है। कौन समझाए कि ही लड़ने के लिए हाईवे नहीं होता है। लड़ो, साइड में लड़ो, घर में लड़ो, गाड़ी चलाते हुए में कौन लड़ता है? और वो बेचारा बंदा पिट रहा था, वो पिटते पिटते गाड़ी चलवा रहा है। अजब। तो इतनी सावधानियां गाड़ी चलाने वालों को सरकार की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, सड़क विभाग की ओर से ये वार्निंग्स दी जाते हैं बार बार, ताकि सुरक्षित तुम रह सको। ऐसे ही ऋषि, संत, आचार्य, गुरु हमें यही स्लोगन्स देते रहते हैं। ज्यादा मत मोह में पड़ जाना, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। एक ने कहा है हम तो लूट गए, हम तो लूट गए, क्या हुआ? कहते हमारा लड़का मर गया। सवाल उठता है क्या वो तुम्हारा था? कि तुमने अपना माना था? तुम्हारा था नहीं, तुमने अपना माना था। एक चीज याद रखना, जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है या जो चीज तुमसे छिन गई है, वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। ये प्रिंसिपल है, याद रखिएगा इसको, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ऑल दैट विच कैन बी स्नैच्ड अवे फ्रॉम यू, ऑल दैट विच कैन बी टेकन अवे फॉर यू, यू डू नॉट ओन दैट, यू डू नॉट हैव एनी ओनरशिप राइट ऑन दैट ऑब्जेक्ट और द पर्सन। लेकिन हम मानते हैं ये हमारा है, हमारे साथ रहे, हमारे पास ही रहे। मन की यही तो बेवकूफ़ी है। और मुश्किल ये है कि जब छिनता है जो हमने अपना माना था, जब वो हमारे हाथ से छिनता है आदमी बेहाल हो जाता है। और विशेष करके कोई मर जाए तो अभी कुछ 4-1 महीने पहले मेरा ड्राइवर, उसको कैंसर हुआ, पेनक्रियास का कैंसर। तो उसका सब इलाज कराया, ऑपरेशन होना था जो भी था, क्योंकि वो पेनक्रियास का था, स्प्रेड हो गया था लीवर की ओर, तो शंटिंग की ज़रूरत थी या जो भी है। तो एम्स में हमारे कोई परिचित डॉक्टर थे, ऑन्कोलॉजिस्ट, तो उनके साथ फ़ोन में बातचीत करके वहाँ उसका लगभग कोई 4.5-5 महीने इलाज चला। पर कीमो होते होते उसका शरीर बहुत ख़राब हो गया। फिर उसने कहा मैं तो गांव जाऊंगा वापस, तो गांव चला गया। बीच में 2-3 बार उसका मैसेज आया, मैं बस जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं ठीक होके जल्दी वापस आ जाऊंगा, क्योंकि उसे बहुत उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएगा, सब इलाज हो रहे हैं तो ठीक हो ही जाएगा। पर मुझे मालूम था ये कहानी लंबी चलने नहीं वाली। मैक्स टू मैक्स 6 महीने दिख रहे थे और 5.5 महीने में वो चला गया। अब मालूम था कि वो जाएगा, मालूम था कि उसकी स्थिति क्या है, लेकिन उसकी पत्नी, उसके बच्चे, क्या वो समझ पाए, क्या वो समझ पाएंगे? उनके लिए तो आफत हो गई, आपदा हो गई है। घर का कमाने वाला सदस्य नहीं रहा, क्या करेंगे अब? बेचैन, परेशान, किससे लड़े? ईश्वर से। कहाँ जाके लड़े, किस मंदिर में लड़े? लेकिन मैंने ये भी देखा कि हमारे कुछ एक ऐसे शिष्यों की भी मृत्यु हुई जिन्हें कैंसर हुआ, और वो अपनी उस मृत्यु के लिए बहुत अच्छे से तैयारी में थे, कि परिवार को बकायदा इंस्ट्रक्शंस दिए कि कोई रोएगा नहीं और कीर्तन करना। और हमारा जीवन तो सफल हुआ है, हम तो ज्ञान पाए हैं, गुरु पाए हैं, साधना किए हैं, खूब खूब कृपा रही है हम पर, और शरीर तो एक दिन जाना ही था, तो जा रहा है, तो दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक के साथ तो उसकी मृत्यु के ठीक 24 घंटे पहले मेरे से वीडियो कॉल होती है, मैं उससे बात करती हूँ, और ये सच जानिए कि ना तो वो रो रहा था, ना तो वो घबरा रहा था, बल्कि वो गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, मुझे आनंद है, मुझे इतना आनंद हो रहा है, मेरे गुरु मेरे से बात कर रहे, वो हंस रहा है। वो उसका पुत्र अपने पिता की इस अद्भुत स्थिति को देख के आश्चर्यचकित, उसके डॉक्टर आश्चर्यचकित, क्योंकि अक्सर लोगों को जिसे ये मालूम हो जाए कि वो जाने वाला है, तो लोगों को रोते देखा है, परेशान देखा है, गिड़गिड़ाते देखा है, लेकिन हंसते हुए नहीं देखा। और ये हंस रहा है। हाँ, ये कह रहे हैं कि बस अब जल्दी आ जाऊं, जल्दी आप तक पहुंच जाऊं, जन जल्दी हो जाए, दूर न जाऊं और जल्दी आप तक आ जाऊं, बस अब तो यही एक इच्छा है। तो जैसे आज सुबह मेरी बात हो रही है, तो अगले दिन सुबह फोन आ गया उनके पुत्र का कि उनका अर्ली मॉर्निंग शरीर चला गया। और ये उनका बेटा, वो भी उतने ही धीरज, उतने ही संतोष, उतने ही शांत रहते हुए ये सारी खबर दे रहे हैं। वो भी विचलित नहीं हो रहे, वो भी रो नहीं रहे हैं, वो भी परेशान नहीं हो रहे। क्या फर्क, क्या फर्क? दोनों ने अपने बाप को खोया, लेकिन एक रो रहा है, एक नहीं रो रहा है। एक जीवन के इस अटल नियम को समझते हुए कि जो जन्मा है सो मरेगा, तो मरा है तो उसमें आश्चर्य क्या। और एक वो है जो रो रो बेहाल हो रहा है कि मर गए, अब हम कैसे जिएंगे, अब हम कैसे जिएंगे, अब हम कैसे जिएंगे। मृत्यु तो दोनों हालत में हुई, एक सत्संगी के घर भी हुई है और एक सत्संग ना सुनने वाले के घर में भी हुई है। लेकिन सत्संगी खुद मरता है तो शांत मरता है और उसका परिवार भी शांत है, और जो सत्संग कभी नहीं किए हैं वो खुद भी परेशान होता है और परिवार भी जो है वो पीछे परेशान होता है। दोनों का कितना बड़ा फर्क है। कई बार कई लोग बोलते हैं अमुक गुरुजी है, अमुक बाबा जी है, वह आशीर्वाद दे के कैंसर ठीक कर देते हैं, वह आशीर्वाद दे के टीबी ठीक कर देते हैं, वह आशीर्वाद दे के ये कर देते हैं। तो मैंने एक से पूछा, मैंने कहा अच्छा वो जो हैं उनकी खुद की उम्र क्या है, वो खुद कैसे, कहते नहीं वो तो अभी जिंदा ही नहीं है। मान लो जो खुद मर गया है वो तुमको कैंसर से कैसे बचा रहा है। लेकिन इसको हम कहते हैं मास फोबिया, ये मास हिप्नोटिज्म होता है, जहां मनुष्यों के मन में यह धारणा बन जाती है कि इस धार्मिक जगह पे जा करके या इस बाबा या इस गुरु या इस के आशीर्वाद से हम मरेंगे नहीं। मैं कहती हूँ वो खुद मर चुका है, वो तुम्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद कैसे दे सकता है। और अगर तुम ये मान रहे हो कि मरने के बाद भी वो तुमको आशीर्वाद दे रहा है, तो फिर तो आपकी अकल पर मुझे तरस ही आ सकता है, और तो हम क्या ही कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दूर क्या जाना, साधारण किसी संत महात्मा की मैं क्या बात करूं। श्री कृष्ण आते हैं तो क्या वो भी ये संसार छोड़ के नहीं जाते हैं। श्री गुरु नानक देव आते हैं, एक समय आने पर क्या वो शरीर छोड़ के नहीं जाते। हाँ, जब उनके शरीर आज मौजूद नहीं है, क्या बुद्ध का शरीर है, क्या महावीर का शरीर है, कबीर साहब का है, संत रैदास साहब का है, संत मीराबाई, संत सहजूबाई, क्या इनका शरीर है, संत जनाबाई, संत ज्ञानेश्वर, मुक्तिनाथ, सोपान, क्या इनके शरीर हैं। क्या ये योगी नहीं थे, क्या इनके पास शक्तियां नहीं थी, क्या उन्होंने अपने शरीर को सनातन कर लिया था। तो जब ऐसे ऐसे योगीराज और महात्मा और महापुरुषों का शरीर नहीं रहा, आज कोई उठ करके कहे कि जी अमुक जगह जाने से हमारे कैंसर चला गया, अब हम मरेंगे नहीं कभी, अरे पागल हो क्या। बुद्धि का इलाज कराओ थोड़ा, सोचने की बात। पर मनुष्य इतना चमत्कार पर विश्वास करता है, उसके लिए चमत्कार से बड़ी कोई चीज नहीं है। ज्ञान कुछ नहीं, भक्ति कुछ नहीं, योग कुछ नहीं, चमत्कार सब कुछ है। तो चमत्कार क्या है, जिसके आश्रय पर तुम कह रहे हो चमत्कार हो सकते हैं, वह व्यक्ति खुद ही जिंदा नहीं है। वो कहते नहीं जी गुरुओं को शरीर की थोड़ी जरूरत होती, वो बिना शरीर के ही काम कर लेते। तो चलो फिर अगर वो बिना शरीर के काम कर लेते हैं तो एक बात तो पक्का है, शरीर उनका नहीं रहा तो तुम्हारा भी नहीं रहेगा। भले कैंसर से जाए, कि बीपी फटने फाड़ दी अंदर नस तब जाए, स्ट्रोक हो जाए, कि एक्सीडेंट हो जाए, कि नींद में चला जाए, कि बुढ़ापे में चला जाए, कि रोग में चला जाए, तो शरीर तो तुम्हारा भी नहीं रहने वाला। तो फिर नाक काहे रगड़ रहे हो तुम, काहे काहे इस चमत्कार की इंतजार कर रहे हो, हम कभी मरे नहीं। ऐसा नहीं होने वाला। तो गुरुदेव स्पष्ट कहते, बाल जवानी और वृद्ध फुन तीन अवस्था जान, तीन अवस्थाएं हैं और इनमें सच्चा कुछ नहीं है नानक बिन भगवान। तो फिर जानने की जरूरत किसको है, उसको जो मर जाएगा, खप जाएगा, या कि उसको जो कभी मरेगा नहीं, जो सनातन है, जो सच्चित आनंद है। किसके ऊपर तुम्हारा दिमाग और सोच तो विचार लगना चाहिए। ज्ञान ये नहीं कहता है कि जो तुम्हारे आसपास जीवित है तुम उनके सानिध्य का सुख न भोगो, हम कभी नहीं ऐसा कहेंगे। माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, नाती पोते हैं, जो भी तुम्हारे संबंधी है, जो भी तुम्हारे मित्र है, खूब प्रेम से सबसे मिलो, सबसे प्रेम का संबंध रखो, बड़ों का आदर करो, सेवा करो, छोटों को आशीर्वाद दो, उनको भी खुश रखो, खूब खिलाओ सबको, खूब पिलाओ सबको, खूब खेलो, हंसो, खाओ, पियो, बातें करो। पर ये बात मत भूल जाना कि ये हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, ऐसी गलतफहमी दिल में मत पालना। ये गलतफहमी होगी। मेरे कोई जानने वाले, उनके पिताजी बीमार हो गए, तो वो रोज गुरुद्वारे जाए, उसने एक अखंड पाठ कराया, अगले हफ्ते फिर कराया, अगले हफ्ते फिर कराया, अगले हफ्ते फिर कराया, वो कोई 2 साल बीमार रहे। तो 2 साल मतलब 24 महीने, 4 हफ्ते हर महीने के होते हैं, तो आप लगा लीजिए 24 × 4 कर लीजिए, कितना हो गया? इतने सारे अखंड पाठ उन्होंने गुरुद्वारा साहब में कराए, किस उम्मीद से कि उनके पिताजी ठीक हो जाए, पिताजी ठीक हो जाए, पिताजी ठीक हो जाए। पर पिताजी फिर मर गए। तो बड़ा रोए, बड़ा परेशान हुए, बड़ा रोए, और फिर उनके मुंह से निकल गया, मैंने इतने अखंड पाठ कराए, बाबा जी ने मेरे पिताजी को ठीक ही नहीं किया, वो फिर मर गए। तो कुछ समय थोड़ा गुस्सा सा रहे, पर फिर फाइनली एक दिन कहते हैं जो जो भगवान की मर्जी, हम क्या ही कह सकते हैं, जो भगवान की मर्जी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा प्यारे, आप वाणी का पाठ खुद बैठ के कभी सुनते हो जब ये अखंड पाठ कराते हो? कहते नहीं, जब समाप्ति होती बस तब चले जाते हैं। तो 48 घंटे के लिए कोई और पाठ करता है, और जब फाइनली उसका भोग पड़ता है हम तब चले जाते जब अरदास होनी होती। मैंने कहा तो सुनो, फिर जिन्होंने वो पाठ किया फिर फल तो उनको मिलेगा ना, तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम पैसे दे के पाठ का फल खरीद सकते हो क्या? ये तो दुकानदारी हो जाएगी, पैसा फेंकिए और पाठ का फल ले लीजिए। अच्छा, जिन्होंने पाठ किया क्या उनको फल मिलेगा? नहीं, वो तो पैसे के लिए कर रहे थे, वो तो पैसे के लिए ही कर रहे थे। तो किस भावना से किया होगा उन्होंने? तो ना कराने वाले को उसका फल, ना करने वाले को उसका फल, पर दिल में एक एहसास, एक ख्याल बस बना हुआ है, अगर हम ये यज्ञ करा लेंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी, अगर हम ये जप करा लेंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी, अगर हम ये दान कर देंगे तो मौत नहीं होगी। लेकिन सच ये है, जब मृत्यु का समय आया तो तुम्हारा किया गया पाठ, यज्ञ, जप तब कुछ काम आने वाला नहीं, क्योंकि जब समय है जाने का तो जाओगे। That's unstoppable. You can't change it. You can't buy your free license of never dying just because you paid some money to some gurdwara or mandir or ashram or whatsoever. You can't buy life by giving few lakhs or few thousands of dollars. You can't buy life. You cannot extend the life just because you have paid money. That doesn't work. बहुत दुनिया है जो कहते अरे नहीं चमत्कार होते हैं, फिर कहेंगे इसका ट्यूमर ठीक हो गया, उसका ठीक हो गया, उसकी पथरी निकल गई, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। ओके फाइन, पर जब उनके ऊपर कोई तकलीफ आती है और उनकी तकलीफ दूर ना हो तो वो कहेंगे हमारे कर्म अच्छे नहीं थे, वो जहां मान्यता कर रहे थे ना, उस पर दोष फिर नहीं देंगे, वो फिर अपने ऊपर लेंगे, हमारे कर्मों में नहीं। मैं फिर कहती हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मिलना था तो फिर वहां नाक रगड़ने से क्या मिला? भगवान गीता में एक बार नहीं कहते, अर्जुन इस ज्ञान को सुनने के बाद तू कभी मरेगा नहीं। ना, भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा बविता वा न भूया। इस संसार में जिसका जन्म हुआ है वो तो मरेगा, लेकिन इस मरणहारा देह में जो आत्मा है ना वो जन्मता है, ना वो जाता है, ना वो आता है, ना कभी भूतकाल में आत्मा मरी है, ना वर्तमान में, ना आने वाले समय में, भविष्य में कभी ऐसा होने वाला है। बड़ा स्पष्ट कह रहे। लेकिन आज अगर कोई श्री कृष्ण का नाम लेकर के ये कहे कि ठाकुर जी हमारा कैंसर ठीक कर दो, और ठाकुर जी हम बीमार ना हो, और ठाकुर जी हम मरे नहीं, तो तुमने अपने ठाकुर जी को समझा कहाँ फिर? क्या समझे तुम? तो जीवन के जो यथार्थ है, जीवन की जो सच्चाइयां हैं, हमारे सतशास्त्र हमको उसका परिचय कराते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, व्यक्ति गलत हो सकते हैं, शास्त्र गलत नहीं है। मैं गलत हो सकती हूँ, भगवत गीता गलत नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कभी गलत नहीं है। इसलिए वाणी क्या कहती उसको सुनो, और जब मन दुखी हो तब और ज्यादा सुनो, जब मन परेशान हो तब और ज्यादा पढ़ो, और ज्यादा विचार करो ये क्या कह रहे हैं। हम कहाँ चूक जाते हैं? तो हमारा अज्ञान हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, यही हमको मोह कराता है, यही हमको क्रोध दिलाता है, यही हमारे अंदर डर पैदा करता है, यही हमारे अंदर लालच पैदा करता है। तो इन सब की जननी एक ही है, और वो है अज्ञान। और अज्ञान को हम दूर करते हैं ज्ञान से। सो नेवर एवर अलाउ द इग्नोरेंस, द नॉट नोइंग to lurk in your mind. One should make sure that the light of knowledge is always there, sparking and illuminating your mind. पानी सामने था, प्यास लगी, पी लिया। पानी सामने नहीं होता तो जाना पड़ता या इंतजार करनी पड़ती ना, तो पानी रख के ही बैठती हूँ, सामने हमेशा रहता। ये मैं आपके लिए कह रही हूँ। ज्ञान का जल हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जब जब मन में मोह या ममता या आसक्ति की रुक्षता आए, तो फिर ज्ञान का ये जल पी करके अपने मन की प्यास को, मन की खराश को दूर कर देना चाहिए। कितने बार सुने कि वो बात समझ भी हमको आ जाए, तो मैं कहूंगी रोज सुने। इसीलिए श्रवण करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए जब हम संत महापुरुषों की वाणी को सुनते हैं तो उस वाणी के श्रवण के साथ साथ उस वाणी के जो अर्थ हैं वो समझ आने चाहिए। और जब अर्थ सहित हम उस वाणी को बार बार सुनते हैं तो हमारे मन से कला, क्लेश, दुख, शोक सब दूर हो जाता है। पर अगर आप कहो कि हम विचार ना करें, हम ध्यान ना करें, और हम सुमिरन भी ना करें, और हम दुखी ना हों, ये नहीं होने वाला। दुख तब ही है जब हम परमात्मा भूल जाते हैं, सत्य भूल जाते हैं, तभी दुख आता है, नहीं तो क्यों आएगा। सो दुख से मुक्ति का उपाय ठीक तुम्हारे हाथ में है। ज्ञान की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, ज्ञान चिंतन करो। और ये याद रहे, ये दुनिया जैसी चल रही ना ऐसे ही चलती रहेगी। एक दिन तुम नहीं रहोगे तो भी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। आज तुम्हें लगता है मेरे बगैर कुछ हो नहीं सकता, मेरे बगैर कुछ हो नहीं सकता। सच ये, तुम नहीं थे तब भी चल रही थी, तुम चले जाओगे एक दिन तो भी ऐसे ही चलती रहेगी। जो आपके बड़े नजदीकी हैं, जब वो जाते हैं तो कुछ दिन आप रोते हैं, फिर धीरे धीरे रोना कम हो जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब तुम मरोगे, तुम्हारे जो अपने हैं, प्रियजन हैं, वो भी थोड़े दिन बहुत रोएंगे, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगा, फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब रोते थोड़ी रहेंगे सब लोग, और कब तक रोएंगे। और तो मैं ये कहती हूँ, जब 1 साल बाद भी आंसू सुखाने ही हैं, रोना बंद करना ही है, तो आज ही कर लो। फिर पूरा 1 साल क्यों बर्बाद करना। न तो रोने से जाने वाला वापिस आता है, न मेरे रोने से आया हुआ रोग जाता है। रोग का उपचार करने का जो तरीका है वो कर लेना चाहिए। बच जाए बहुत अच्छे, नहीं बचे तो मानिए ये तो होना ही है। Be realistic. Gyan doesn't make you pessimistic. It just makes you realistic. See the things as they are and don't supersede your own ideas on the top of the things. And when the things happen, good or bad, you should have ability to accept and remain unperturbed when things are not in your liking or your favor. जीवन सबको प्रिय है, सबको सबका जीवन प्रिय है, पर यह जीवन ऐसा खिलौना है जो हमेशा नहीं रहेगा। ये बात जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा। और ये जितना सच आपके लिए है, ये उतना ही सच मेरे लिए भी है। ये जितना सच आपके लिए है कि आपका शरीर सदा नहीं रहेगा, उतना ही ये सच मेरे लिए है कि ये मेरा शरीर सदा नहीं रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि गधे चेले मत बने रहना। जो गुरु ज्ञान दे रहा है वो ले लो, इस भरोसे मत रहना कि कोई नहीं, अभी तो हम लापरवाह है, और अभी हम तामसिक है, और अभी तो हम चंचल है, फिर कभी हम ठीक हो जाएंगे, कभी हम ठीक हो जाएंगे। इस बेवकूफ़ी में मत रहना। जैसे दूसरों की खबरें आती ना हमको कि वो गया, वो मरा, तो एक दिन ऐसे तुमको हमारी खबर आ रही होगी, वो भी गए, और लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ था। जैसे आज हम दूसरों के लिए पूछते हैं क्या हुआ था, ऐसे कल दूसरे मेरे लिए पूछ रहे होंगे क्या हुआ था गुरु माँ को, क्या हुआ था गुरु, वो तो ठीक थी, क्या हुआ उनको। याद रहे, मृत्यु को होने के लिए कुछ कारण नहीं चाहिए, मृत्यु अपने आप में कारण काफी है। तो ये ऐसी बात नहीं मैं बोल रही हूं कि जो तुम्हारे लिए तो सच होगी और मेरे लिए नहीं होगी, मेरे लिए भी उतनी ही सच है। इसलिए संसार का आचार व्यवहार परिवार सब संभालिए, सब करिए, पर ये याद रखते हुए कि जो जैसा है वो वैसा हमेशा नहीं रहेगा। और तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारी साधना होनी चाहिए, तुम्हारी ज्ञान चर्चा होनी चाहिए, तुम्हारा सुमिरन होना चाहिए। बाकी सब चीजें सेकेंडरी, 2 नंबर पे, 1 नंबर पे ये है। तो गुरु महाराज के ये 9वें महल्ले के श्लोक तो मुझे इतने प्रिय है, कितने बार सुन लो, हर बार उतना ही मजा आता है, और हर बार उतना ही अरे ये बात कितनी प्यारी, अरे ये श्लोक कितना प्यारा है, अरे ये श्लोक कितना प्यारा है। बलिहारी जा सकते हैं उस गुरु पर जिसने इतनी सुंदर वाणी दी है। तो ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो, मन में सुख और आनंद और शांति रहेगी तब तक जब तक मन ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। सो उसकी फिक्र किया करो। बाकी संसार का ड्रामा जब चले तो खूब आनंद लीजिए और फिर इसमें कोई पात्र का एग्जिट हो जाएगा, तो जब हो जाए तो जानो उसका रोल इतना ही था, अब वो अपना रोल प्ले करके निकल गए। स्टेज इज सेट, ड्रामा इज स्टिल प्लेइंग ऑन, यू डू योर पार्ट, यू डू योर कैरेक्टर, द अदर्स विल कम एंड गो लाइक यू विल कम एंड गो। दैट्स द ब्यूटी। So learn to enjoy the drama of the life. Don't be too serious. Don't be too serious. कला है, नाट्य चल रहा है, नाट्य का आनंद लीजिए।